बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स. वंस अगेन आई एम हेयर विद द टॉपिक ऑफ नाउन एंड इट्स काइंड्स फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर. लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, यू हैव रेड वेरी वेल अबाउट नाउन. नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड. द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, सियालकोट इज़ द नेम ऑफ प्लेस एंड चेयर इज़ द नेम ऑफ थिंग. सो दीज आर नाउन. स्टूडेंट्स, जनरली नाउन हैज़ फाइव काइंड्स. फर्स्ट कॉमन नाउन, सेकेंड प्रॉपर नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ मटीरियल नाउन. लेट्स डिस्कस दैम वन बाई वन. फर्स्ट काइंड इज कॉमन नाउन, जिसे उर्दू में इसम नकरा कहा जाता है. इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड. सेकेंड, अ गर्ल इज़ मेकिंग अ नॉइज. और थर्ड है, देयर आर मैनी बिल्डिंग्स इन लाहौर. तो इन तीनों सेंटेंसेस में चिल्ड्रन, गर्ल और बिल्डिंग्स कॉमन नाउन हैं. सेकेंड काइंड इज प्रॉपर नाउन, जिसे उर्दू में इसमें मारफा कहा जाता है. यानी किसी प्रॉपर शख्स, जगह या चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, राशिद मिनहास वाज अ ब्रेव सोल्जर. राशिद मिनहास एक बहादुर सिपाही था. पाकिस्तान इज़ आवर डियर होमलैंड. पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है. दी काओ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, यानी गाय बहुत मुफीद जानवर है. तो ये तीनों सेंटेंसेस में अंडरलाइन वर्ड्स प्रॉपर नाउन हैं, यानी किसी ख़ास शख्स, जगह और चीज़ के नाम हैं या एनिमल के नाम है. थर्ड काइंड ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन, जिसे उर्दू में इसमें जमा कहा जाता है. यानी ऐसा नाम जो कि सिंगल हो लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हों. नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, थिंग्स काउंटेड एज वन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर क्लास. अब क्लास नाम एक है लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. आई विल ज्वाइन द पाक आर्मी. पाक आर्मी नाम एक है लेकिन उसमें बहुत सारे सोल्जर्स हैं. सिमिलरली, दे आर अ गुड कंपनी, यानी उन लोगों की सोहबत बहुत अच्छी है. यानी कंपनी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं. तो क्लास, पाक आर्मी और कंपनी कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स हैं. देयर इज अ लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन. फैमिली, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं. टीम, टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं. ग्रुप, ऑडियंस, क्लास, गवर्नमेंट, पुलिस, इन सब में लोग तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इनका नाम एक है जिसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है. नेक्स्ट काइंड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको उर्दू में इसमें मुजर्रद कहते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी और एन आइडिया दैट वी कैन नॉट सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट और टच. यानी इसमें मुजर्रद एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों का नाम है जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना ही टेस्ट और टच कर सकते हैं. यानी ये जस्ट फीलिंग्स का नाम है जिनको हम फील कर सकते हैं. लेट्स टेक दीज एग्जाम्पल्स. हैव पेशेंस, यानी सब्र रखो. विद करेज यू कैन विन, हिम्मत और हौसले से तुम जीत सकते हो. आई शेल एक्ट अपॉन दिस एडवाइस, मैं इस नसीहत पर अमल करूंगा. फ्रीडम इज अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, आज़ादी अल्लाह की नेमत है. इन तमाम एग्जाम्पल्स में अंडरलाइन वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं. सिमिलरली, ब्यूटी, लव, ऑनेस्टी, जस्टिस, हेटर्ड, नाइस एंड ग्रेट, दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज वी कैन नॉट touch them or taste them or see them, just we can feel it. So these are abstract noun. Fifth kind is material noun, जिसको उर्दू में इसमें मवाद कहा जाता है. material noun उन चीज़ों का नाम है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, touch कर सकते हैं, सुन सकते हैं. यानी ये abstract noun का opposite है. For example, she is kneading flour, वो आटा गूंद रही है. अब फ्लोर यानी आटा, हम उसको देख भी सकते हैं, हम उसको टच भी कर सकते हैं. आयरन इज अ हार्ड मेटल, लोहा सख्त किस्म की धात है. द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये अंगूठी सोने की बनी हुई है. दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ये कुर्सी लकड़ी की बनी है. तो फ्लोर, आयरन, गोल्ड, वुड, ये सारी चीजें हम इनको मटीरियल नाउन कहेंगे. सिमिलरली, डोर, गेट, जूस, गोल्ड, फ्लोर, वुड, आयरन, दिस ऑल आर मटीरियल नाउन.
इंशाल्लाह दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.